Good morning, students. Today we will continue with electron transport chain. In last class, we have discussed that electron transport chain, it is consists of five different complexes. One is NADH dehydrogenase complex, second is succinate dehydrogenase complex, third is ubiquinone cytochrome C oxidoreductase, fourth is cytochrome C oxidase, and the last one is ATP synthase, or we can say F1-F0 complexes. तो यहाँ पे मैंने चार कॉम्प्लेक्सेस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वो शो किए हैं. तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि वो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं एक्चुअली दे आर अरेंज इन अ चेन, है ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज होती है. तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस एक चेन में अरेंज है और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में, सो दैट्स व्हाई दिस चेन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, अब होगा क्या यहाँ पे आप देखिए कि हम लोगों ने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है या क्रैब साइकिल जो होता है उस समय जो इंटरमीडिएट बन रहे होते हैं और उनसे जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, तो उस समय क्या किया जाएगा कि जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम होता है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट मींस रिडक्शन होता है और उससे क्या बनता है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम बनता है. तो ये जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है दैट मींस एनएडीएच है या एफएडीएच2 है, तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है. क्लियर. तो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में एनकैश करना जरूरी है, है ना. अदरवाइज क्या होगा, ये सारी की सारी एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी. तो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हमारा ये पर्पस सॉल्व करती है, इस एनर्जी को कन्वर्ट करती है एटीपी के फॉर्म में. अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एनएडीएच बना है या ये जो एफएडीएच2 बना है वो किसकी वजह से बना है, जो बायो मॉलिक्यूल्स थे दैट मींस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से इनका निर्माण हुआ है और इनके ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाने वाले हैं, एटीपी बनाने वाले हैं. तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर. तो ईटीसी क्लियर हो गया एंड देन सेकंड जो हमारा है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो क्लियर हो गया. अब हम देखिए वो कह रहा है यहाँ पे ये जो एनएडीएच है यानी ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज. तो यहाँ से एनएडीएच जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है वो कन्वर्ट होता है आपके ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम में एनएडी पॉजिटिव में, और ये एनएडी पॉजिटिव जो होगा और एफएडी पॉजिटिव जो होगा वो फिर से ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. तो जब ये रिडक्शन से यानी एनएडीएच जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एनएडी पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. इस इलेक्ट्रॉन को ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एफएमएन और एफईएस फेरस सल्फर क्लस्टर जो है उसको लेगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ यूबिक्विनोन को. सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है एफएडीएच2 रिड्यूस फॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज हुई एफएडी पॉजिटिव में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसको फर्दर भेजा गया यूबिक्विनोन में. कॉम्प्लेक्स थर्ड में भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और फाइनली यहाँ से होते हुए फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा और हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, ऑक्सीजन है, है ना. ऑक्सीजन जो है वो हमारा फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा. दैट मीन्स CO2 जो था वो तो बन गया क्रैब साइकिल में और वाटर कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. क्लियर. अब आप देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है तो इस एनर्जी को हमें कैप्चर करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, ये हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे कैप्चर किया जा रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस समय क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन आयन को इनसाइड से आउटसाइड सेंड किया जाता है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसको यूज करते हुए हाइड्रोजन आयन को बाहर भेजा गया. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स है इट गेट कन्वर्टेड टू प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो है हमारा हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे प्रोटॉन ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जो बाहर का पीएच होता है उतना वो होता है 7 के करीब, ओके न्यूट्रल पीएच है दैट मींस, और जो इनसाइड है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का पीएच होगा इट इज अबाउट 8.5, दैट मींस अल्कलाइन पीएच होता है ये.
ठीक है। तो ये जो एल्केलाइन पीएच है उस वजह से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर भेजा जाएगा। देखिए बाहर बहुत सारा प्रोटोन ग्रेडियंट जो है वो बन चुका है, कैसे बना, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसको कैप्चर किया हमने और हमने क्या बना लिया, ये प्रोटोन ग्रेडियंट बन चुका है, ठीक है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है हमारा, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और वाटर बनेगा। ये तो हुई यहां तक बात। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि होता क्या है, ये तो हमने बात की यहां तक, ये जो आपके फोर कॉम्प्लेक्सेस है वो, अब आप बात करें कि भाई किस तरह से फर्दर हमारा जो ये प्रोटोन मोटिव फोर्स है या प्रोटोन ग्रेडियंट जो है इसे हम फर्दर यूज करेंगे एटीपी बनाने में। अभी हमने एटीपी नहीं बनाया, अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन ग्रेडियंट जो है वो बना लिया है बाहर, और अब हम इस प्रोटोन ग्रेडियंट को यूज करेंगे क्या करने में, एनर्जी यानी कि एटीपी बनाने में। तो अब मैं आपका डायग्राम बना रही हूँ, नेक्स्ट वाला वो है आपका, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है उसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होता है ये, ऐसा रहेगा। तरह से रहेगा, ये है ए, ये है बी, ये अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, डेल्टा और गामा, और उसके अलावा है आपके सी 1 to 10। तो ये है हमारा एटीपेज कॉम्प्लेक्स, या फिर यू कहें कि F1F0 कॉम्प्लेक्स। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें जब हम माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे होते हैं तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हम बनाते हैं F1F0 कॉम्प्लेक्स या एटीपेज कॉम्प्लेक्स। तो वो हम किस तरह से बना रहे थे, आपको ध्यान हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की रहती है, तो उसमें हम लोग इस तरह से बनाते हैं, स्टॉक बनाते हैं, बेस बनाते हैं, स्टॉक बनाते हैं और हेड बनाते हैं। तो ये एक्चुअल में यही है ना, ये इसका बेस है, ये स्टॉक है और ये हेड है, तो इसी तरह का ही होता है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारा F1F0 कॉम्प्लेक्स है वो किससे बना हुआ है, इसमें होगा F0, F0 जो है वो बना हुआ रहेगा 1A 1B C 1 to 10, ठीक है। और F1 कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारा बना हुआ रहेगा, किससे बना हुआ आएगा, F1 कॉम्प्लेक्स जो होगा 3 अल्फा 3 बीटा गामा और डेल्टा, इससे बना हुआ रहेगा, क्लियर। अब होगा क्या, ये जो है हमारा प्रोटोन मोटिव फोर्स जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटोन मोटिव फोर्स में या प्रोटोन ग्रेडियंट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट है वो वापस प्रोटोन जो है वो अंदर आएंगे। अंदर क्यों आएंगे, प्रोटोन का मूवमेंट इनसाइड क्यों होगा, क्योंकि प्रोटोन जो है वो बाहर प्रोटोन का कंसेंट्रेशन हो गया, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बाहर हो गया ज्यादा, जबकि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ हो गया कम, यानी यहाँ पे तो प्रोटोन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस, कीमो ऑस्मोसिस होगा। इस वजह से पहला रीजन तो ये है कि हाइड्रोजन आयन इस वजह से बाहर आ रहे हैं। दूसरा क्या होगा कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत हो गया है जबकि नेगेटिव चार्ज अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी क्या होंगे, प्रोटोन अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हैं आप आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि जो हमारा प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट हो चुका है बाहर, अब हम उसे फर्दर यूज करेंगे एटीपी को बनाने में। तो
कैसे बनेगा? अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो वापस से अंदर आएंगे। क्यों अंदर आएंगे? दो रीजन होंगे इसके अंदर आने के। पहला रीजन तो ये होता है कि बाहर का हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर से अंदर आएंगे, पहला रीजन तो ये। दूसरा, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है जबकि अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से भी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से जो हाइड्रोजन आयन है वो अंदर आएगा। ओके, तो हाइड्रोजन आयन जब अंदर आता है तो उसमें क्या होता है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं और एटीपी जनरेट होता है। समझ में आ रहा है बात आपको, कि ये जो प्रोटोन मोटिव फोर्स है वो फिर से यूटिलाइज किया जाता है, फिर से ये हाइड्रोजन आयन जो है वो अंदर आते हैं। क्यों अंदर आते हैं? दो रीजन है। पहला तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड, तो हाइड्रोजन फिर से अंदर की तरफ आएगा कीमोस्मोसिस के द्वारा। और दूसरा, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो उस वजह से भी हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर आएगा। तो जब ये अंदर आता है तो उस समय उसकी एनर्जी को यूज करते हुए फिर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं और एटीपी का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो काम करती है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रोटोन ग्रेडियंट में, एंड देन उस प्रोटोन ग्रेडियंट को हम यूटिलाइज करते हैं एटीपी जनरेशन में। तो वो प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ से आया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, वो किसकी वजह से आए, वो आए थे हमारा जो फ्यूल था उसके ऑक्सीडेशन से। अब क्योंकि उसके फ्यूल के ऑक्सीडेशन से हम क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, और ये कहाँ हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो हो रही है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू सो मच। इसे पढ़िए, समझिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर से ग्रुप में डिस्कस कीजिए। ये थोड़ा मुश्किल है बट एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।